राजस्थान पर्यटन को मानो पंख लग गए हैं। चालू वर्ष के पहले 6 महीने के अंदर ही प्रदेश में 8,41,86,000 से ज्यादा पर्यटकों की आमद, ये साबित करी है कि इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड धराशाही होने वाले हैं। आज से नया पर्यटन सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस वर्ष प्रदेश में आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा पहली बार 20 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगा। पेश है फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान को पावणों का प्रदेश कहा जाता है। यहाँ हर 7 कोस पर पगड़ी का रंग और प्रकार बदल जाता है, भाषा बदल जाती है और खान पान में भी बदलाव हो जाता है। इसलिए ही राजस्थान को सतरंगी संस्कृति का प्रदेश कहा जाता है। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य और इतिहास देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है। यही कारण है कि कोरोना के अवसान के साथ ही राजस्थान पर्यटन में तेजी से बदलाव देखने को मिले। विगत सरकार ने प्रदेश में 1500 करोड़ का पर्यटन विकास कोष गठित किया और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। वहीं सूबे में सरकार बदलते ही पर्यटन विकास की पूरी योजना बनाकर उस पर काम शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन क्षेत्र में अपने विजन से कम समय में ही नए प्रतिमान स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रमुख सचिव गायत्री राठौर और पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा और पूरी टीम ने जो मेहनत की उसका परिणाम सभी के सामने है। साल 2022 में राजस्थान में रिकॉर्ड 10 करोड़ 87 लाख पर्यटक पहुंचे। साल 2023 में यह आंकड़ा 18 करोड़ 6 लाख से ज्यादा रहा। इस साल पहले 6 महीने में प्रदेश में 8 करोड़ 41 लाख से ज्यादा पावड़े आए हैं। आमतौर पर राजस्थान में मई से अगस्त के 4 महीने को पर्यटन के लिहाज से ऑफ सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार यह मिथक भी टूट गया है। इससे साबित हो गया कि प्रदेश में अब नो ऑफ सीजन, ऑल सीजन टूरिज्म सीजन कहा जाए तो बेहतर है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की माहवार संख्या, महीना जनवरी, देशी 1,26,29,862, विदेशी 2,24,562, योग 1,28,54,426, फरवरी 1,21,11,824, 2,65,240, 1,23,77,064, मार्च 1,75,63,303, 2,49,737, 1,78,13,040, अप्रैल 2,08,67,677, 1,16,443, 2,09,84,120, मई 1,03,08,101, 60,166, 1,03,68,267, जून 97,43,548, 46,514, 97,90,062, योग देसी 8,32,24,315, विदेशी 9,62,664, योग 8,41,86,979। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार वाला टूरिस्ट सीजन पिछली बार की तरह, उससे नेचुरली वो 18 करोड़ का जो हमारा पिछले बार का फिगर था, निश्चित रूप से मिनिमम 20-25 करोड़ के करीब तो हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट का फुटफॉल्स डेफिनेटली रूप से टच करेंगे। बहुत सही बात है कि जब टूरिस्ट एक साथ आते हैं तो जो उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी है वो उसको मैच नहीं कर पाती, इसलिए हम ट्रैफिक जैम्स देखते हैं और बहुत सारी इश्यूज़, सैनिटेशन के इश्यूज़ और ये सब देखते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ उसकी जो डाइवर्स लेसर नोन डेस्टिनेशन है, जयपुर के आसपास इतनी सारी अब टूरिस्ट प्लेसेस उभर के आ गई हैं। अभी जैसे पैनोरमास का ही हम नाम लें, 7-8 पैनोरमास विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एक एक घंटे के डिस्टेंस पे है। साल 2022 की बात करें तो इस वर्ष पहले 6 महीने में प्रदेश में 6,62,00,000 से अधिक पावड़े आए, जो वर्ष 2021 की अपेक्षा 81% ज्यादा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में तो इन 6 महीनों में 565% वृद्धि हुई है, जो देश भर में रिकॉर्ड है। साल 2023 में इस अवधि में 7,87,00,000 से ज्यादा पर्यटक आए थे, जो वर्ष 2022 की तुलना में 1,25,00,000 ज्यादा थे, जबकि इस वर्ष पहले 6 महीने में पिछले वर्ष की अपेक्षा 6.86% ज्यादा है।
अब चूंकि 1 सितंबर से औपचारिक तौर पर नया पर्यटन सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है आने वाले 6 महीनों में प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों की आवक होगी। इन 6 महीनों में बहुत से मेले उत्सव आयोजित होंगे, पर्यटन के बड़े बड़े इवेंट होंगे, दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे मेगा इवेंट भी आयोजित होंगे। 25 सितंबर से पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन शुरू हो जाएगा, इसलिए माना जा रहा है कि ट्रेवल इंडस्ट्री के लिए अगले 6 महीने व्यस्त रखने वाले और मोटा राजस्व देने वाले होंगे। RDTM बाय एंड लार्ज केटर करता है अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट पे, तो उस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो नए अब टूरिज्म एरियाज खुल करके आ रहे हैं, हम डेजर्ट से, हेरिटेज से, जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर के बियॉन्ड जाकर के जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ से जो हमारे सेलर्स हैं, सेलर्स मतलब यहाँ के जो टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सो दैट वो उस तरह के जो नए जनरेशन वाले हमारे टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। तो वो हमारा डोमेस्टिक को प्राइमरीली कैटर करता है, GITB जैसा आपने देखा होगा वो इंटरनेशनल क्लाइंटेल को करता है, तो दोनों का थोड़ा सा सेग्रीगेट इसलिए किया है कि हम लोग उसको पिन पॉइंटेड एड्रेस कर। स्मारकों पर सुविधाओं का विकास और नवाचार पर्यटकों को हमारी संस्कृति से जोड़ने में कामयाब रहा है। आने वाले 6 महीने राजस्थान पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और आने वाले दिनों में प्रदेश में पावड़ों की संख्या में जोरदार इजाफा होगा। यूं तो प्रदेश में अब टूरिज्म का कोई ऑफ सीजन नहीं रहा, ऑफ सीजन का मिथक टूट चुका है, लेकिन औपचारिक तौर पर अगले महीने यानी सितंबर से नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नए सत्र में नए मेले, उत्सव, नए इवेंट्स और बहुत सारी ट्रैवल मार्ट्स का भी आयोजन होगा। चूंकि इस वर्ष पहले 7 महीने में 9 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक प्रदेश में आ चुके हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर समाप्ति तक ये फुटफॉल जो होगा पर्यटकों का वो 20 करोड़ से ज़्यादा का होगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। इसी अवधि में नई पर्यटन नीति भी आ जाएगी, हेरिटेज अथॉरिटी का गठन भी होगा और साथ ही साथ राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की भी तैयारी है और माना जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश का ये पर्यटन सत्र न केवल रोजगार सृजन वाला होगा, न केवल पर्यटकों की आवक को बढ़ाने वाला होगा, वरन देश और दुनिया में राजस्थान और देश की छवि को बढ़ाने वाला भी होगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।